जो अपनी वीडियोस हैं उनमें कुछ भी छिपा के नहीं रखता हूँ, और ये वाला सेटअप बिल्कुल यूनिक होगा। तो गाइस फाइनली फिटमेंट स्टार्ट हो गई है इंस्टॉलेशन के लिए, वेट होगा टेंट का, वो क्लैंप्स बियर कर पाएंगे। तो अभी अपनी गाड़ी भाई रेडी होके आ चुकी है, पूरा वो लैंडिंग का सेटअप इसके ऊपर हो चुका है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं एक और नए दिन को। भाई टाइम हो चुका है 9:22। आज अपनी गाड़ी में फाइनली ओवरलैंडिंग का सेटअप होने के लिए जा रहा है और जल्दी से गाड़ी निकल जाएगी, बट उससे पहले जिम कराते हैं भाग के, तो उसके बाद गाड़ी चली जाएगी और आपको उसके बाद देखने को मिलेगा कैसे कैसे हम सेटअप करने वाले हैं अपनी स्कॉर्पियो एन पे। और ये वाला सेटअप बिल्कुल यूनिक होगा। आज से पहले आपने हमारे चैनल पे शायद एक आधी वीडियो देख ली होगी इस टाइप के सेटअप की, हमारे सेटअप से बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक। भाई बहुत बढ़िया सेटअप करवाने वाला हूँ इस बार मैं, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कैसा सेटअप होने वाला है। वैसे तो आप वीडियो के एंड में सब कुछ देख लोगे। जो लोग स्कॉर्पियो एन ऑन करते हैं ना, उन लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको ओवरलैंडिंग करनी है अपनी गाड़ी पे तो कैसे कैसे सेटअप होगा। पूरा इन डिटेल इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक और नए व्लॉग को। जय भोलेनाथ। भाई कैसा है, लोग पूछ रहे हैं कि यार आपको ये हेडलाइट्स इतनी सस्ती कैसे मिल गई हैं। तो भाई कुछ चीज़ें ना रेफरेंस के थ्रू हो जाती हैं, बट मैंने एक्चुअल रेट्स बताया है जो मेरे को पड़ा है, मैं होने को वो भी बता सकता था जो मार्केट रेट है, बट मैं एक्चुअली ना जो अपनी वीडियोज हैं उनमें कुछ भी छिपा के नहीं रखता हूँ। अगर कोई चीज़ मेरे को फ्री में मिलती है तो मैं वो फ्री बताता हूँ, अगर कोई पैसों से मिलती है तो मैं वो पैसों से बताता हूँ। तो भाई जितने मेरे को पैसे पड़े मैंने आपको कॉस्ट बता दी, बाकी वो रेफरेंस के थ्रू मिली है। वैसे हर किसी को वो डील नहीं मिल सकती है और ओरिजिनल है Z8 के, ठीक है, टेस्टेड महिंद्रा टेस्टेड वाले। बाकी आपको मार्केट में 28,000 की मिलेगी करोल बाग में लेते हो, और अगर आप जाके लेते हो शोरूम से तो वहाँ आई थिंक 40,000 या 42,000 की लाइट्स पड़ती हैं हेडलाइट्स। टोटल हमें कितना खर्चा पड़ा गाड़ी में, तो वो सारी चीज़ के लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाल दी, आपने आई होप देख ली होगी। तो भाई आज अपनी गाड़ी में ओवरलैंडिंग का सेटअप हो जाएगा, जिसके लिए बहुत दिन से इंतजार हो रहा था। बाकी गाड़ी निकल जाएगी, मैं नहीं जा रहा हूँ करवाने के लिए, वही खुद उन्होंने भेजा एक भाई को, तो वो मेरी गाड़ी लेके जाएंगे और शाम को वापस दे देंगे, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा। और अपने पास भाई ऑफिस का काम है और अपने को वीकेंड पे निकलना भी है ट्रिप पे, तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी दे दूंगा और गाड़ी शाम को आ जाएगी। तो पूरा काम जैसे भी होगा ना वो आपको इन डिटेल देखने को मिल जाएगा, मैंने उनसे बोल दिया भाई वीडियो शूट कर देना। तो अभी अपनी गाड़ी भाई रेडी होके आ चुकी है, पूरा वो लैंडिंग का सेटअप इसके ऊपर हो चुका है, और मेरे साथ यहाँ पे तरुण भाई, कैसे हो? तो भाई लेके गए थे गाड़ी और भाई ही लेके आए हैं। तो अभी मैं एक ऐसा स्पेस देख रहा हूँ जहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ओपन कर पाए अपने सेटअप को और दिखा पाए आपको इन डिटेल की कैसे कैसे ये ओपन होता है। वैसे तो जब मैं इसको यूज करूंगा ना तब प्रॉपर पता लगेगा, बाकी अभी मैं कुछ क्लिप्स लगा रहा हूँ। एक्चुअली वो क्लिप्स थोड़ी सी पोर्ट्रेट में शूट हुई है, बट आप उसे मैनेज कर लेना कि सेटअप कैसे कैसे हुआ है, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसको ओपन कैसे करते हैं और कितना टाइम इसमें लगता है, ठीक है। अब इसके बाद सीधा आपको दिखेगी पूरा सेटअप कैसे हुआ है इंस्टॉलेशन की वीडियो। हेलो गाइस, फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एन के ऊपर रूफटॉप टेंट लगने वाला है, और रूफटॉप टेंट जो है ये है नोमैड्स एडवेंचर ओवरलैंड का, और इसका साइज़ जो होने वाला है वो होने वाला है X4, जो कि 4 लोगों के लिए है, जिसमें 4 लोग कंफर्टेबली सो सकते हैं, 3 लोग तो सुपर कंफर्टेबली सो सकते हैं। तो अभी इसमें जस्ट हुआ क्या है, हमने इसकी रूफ रेल हटाई है। रूफ रेल हटाने का रीज़न क्या है, वो फंक्शनल नहीं है इसलिए वो हटाई है। और यहाँ पर जो रूफ रेल के लिए प्रोविज़न दिया होता है जहाँ पर रूफ रेल अटैच होती है, यहाँ पर हम बना रहे हैं इसके कस्टम क्लैंप्स। वेट होगा टेंट का, वो क्लैंप्स बियर कर पाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर आने वाले क्रॉस बार, क्रॉस बार लगाने के बाद इसके ऊपर आएगा अपना टेंट। क्लैंप्स बन रहे कस्टम क्लैंप्स, जिसके ऊपर अपनी क्रॉस बार्स लगेंगी। क्रॉस बार्स लगने के बाद उसके ऊपर अपना टेंट आएगा। तो गाइस अपने कस्टम क्लैंप्स बन चुके हैं, जो भैया ने जस्ट रेडी करके पेंट करके सूखने के लिए रखा हुआ है। तो गाइस फाइनली फिटमेंट स्टार्ट हो गई है इंस्टॉलेशन के लिए, जो अपने क्लैंप्स बनाए थे भैया उनको पहले लगाने वाले ऊपर। ओके ठीक है जी, ये अपना पहला क्लैंप आ गया, ऐसे ही चारों तरफ लगेंगे। तो क्लैंप्स के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है अपनी वो है क्रॉसबार्स। क्रॉसबार्स भी लग गई हैं फाइनली, आगे पीछे दोनों क्रॉसबार लग चुकी हैं, और ये टेंट भी आ रहा है अपना लगने वाला। तो फाइनली टेंट लग गया है क्रॉसबार, और ये नीचे टाइट हो चुका है चारों साइड से, या टाइट कर रहे हैं इसको। चलिए गाइस रूफ टॉप टेंट लग गया अपनी गाड़ी पर। टेंट लगने के बाद गाड़ी बहुत सॉलिड लग रही है भाई, सीरियसली जो मतलब लुक आ रही है ना, फुल अग्रेसिव लुक आ रही है। सो भाई सबसे पहले तो लुक देख लो गाड़ी की, ये देखो भाई टेंट लगने के बाद आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करके बताना। बाकी ये है नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड का टेंट, अपने सुलक्ष भाई आपको पता ही होगी।
तो वही ये बनाते हैं। पहले मैं सॉफ्ट शेल में टेंट यूज करता था, अभी मैंने प्लान किया कि इस गाड़ी के साथ कुछ थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए अपने ओवरलैंडिंग सेटअप को, तो हम इसकी तरफ मूव हुए हैं। बट अभी और दूसरे सेटअप पे भी मूव होंगे इन फ्यूचर, जानने को मिल जाएगा आपको। अभी फॉर द टाइम बीइंग ये वाला सेटअप रहने वाला है। अब इसको ओपन कैसे कर डेमोंस्ट्रेशन लेंगे हम तरुण भाई से पूरा, कैसे कैसे इसको ओपन करेंगे और कितना टाइम लगेगा, वो जैसे यूज टू हो जाऊंगा ना मैं तो और थोड़ा टाइम कम हो जाता है। वैसे इनिशियली थोड़ा कई बार ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी ओपन करने का पूरा प्रोसेस एक बार आपको दिखाएंगे और टेंट लगने मतलब ओपन होने के बाद कैसा लगता है गाड़ी पे वो भी अभी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ये लॉक है, ये लॉक प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ओके समझ गया, निकाल लो। ऊपर करेंगे ना, अच्छा ये स्ट्रैप निकल जाएगी, ठीक है ये देखो टेंट ओपन हो चुका है पूरा, बस हल्का से इसको पुश करना है और ये ओपन हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं। अच्छा ये पीछे फेंकना है, ठीक है हाँ ये आइडिया तो है मेरे को, सिटी भैया के में सेम है ना तो वो भी ऐसे ही फेंकते हैं, अभी गया नहीं है पूरा प्रॉपर। ये देख लो भाई अभी हाफ ओपन हुआ है, अभी पूरा ओपन बाकी है। बाकी ये ना मतलब गाड़ी पे लग के बड़ा सही लगता है क्योंकि आपको ना तो ऊपर का कवर निकालना पड़ता है, आपको इसे ओपन करना पड़ता है और ये कवर इसके साथ ही रहता है, बंद करोगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा। अच्छा हाँ उसके अलग है, वो तो मैंने देखा है नया वाला, तो ये 3% है 4% है। तो भाई ये वाला स्ट्रैप जैसे ही आप इसको खोलोगे ये आपको पीछे की साइड फेंकना पड़ेगा और उसके बाद आप लैडर ओपन करोगे। अच्छा इसको पीछे फेंकने का रीजन क्या है? ये परेशान करेगा बार बार आपको। अच्छा आप खोलोगे तो फिर वो अटकेगा। और बाद में खींचने के लिए इसी से खींचते हैं हम, नहीं इसी से खींचते हैं ना वो, इसलिए है वो स्ट्रैप। जब आप इसको बंद करोगे तो स्ट्रैप को नीचे खींचोगे ये पूरा टेंट बंद हो जाएगा, तो ये इसलिए एक साइड को पड़ा रहता है। भी इसमें लैडर ओपन हो चुकी, टेलीस्कोपिक लैडर आती है, हाँ हाँ। अच्छा ये देख लो, इसको बीच में से पकड़ो और इस तरीके से ही ओपन हो जाता है। अच्छा तो इसको थोड़ा पीछे नहीं ले जा सकते और? पीछे ले जाने की जरूरत ही नहीं है। सो गाइस फाइनली अपना टेंट ओपन हो चुका है। अच्छा एक चीज मेरे को इसकी समझ आती है इस वाले टेंट की, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये रूफ पे है और जो पूरे का ये लगा लो कि 35-40% बाहर निकलता है ये, और जो अपना पहले वाला टेंट था वो हाफ बाहर निकलता था हाफ रूफ पे रहता था, तो उस टाइप का सेटअप है। और भाई बहुत ही क्लीन और बहुत ही नीट एंड क्लीन वाला सेटअप लग रहा है मेरे को। अभी ऊपर चल के इसके कुछ वो लगते हैं, स्टिक्स लगती हैं, डायरेक्शन में ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि तीन जगह ओपन होता है, एक इधर, एक उस साइड और एक आपको फ्रंट में। ये लैडर आप देख ही रहे हो बड़ी सही तरीके से सेट हो चुकी है। बाकी यार वीडियो में मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है सेटअप आप जरूर कमेंट करके बताएं। और अभी तो हम इस पर ट्रिप करने जा रहे हैं, इसके बाद आपको ट्रिप की वीडियोस ही देखने को मिलेंगी। बाकी मैं आगे से भी एक बार गाड़ी को दिखा देता हूं। अच्छा ये जो यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है यहां पे मतलब चप्पल वगैरह अपनी शूज़ वगैरह रखने के लिए, जब आप अपने टेंट में एंटर कर रहे हो तो पहले यहां पे अपने चप्पल रख सकते हो। एक बार फ्रंट से देख लो गाड़ी कैसी लग रही है, देखो भाई गाड़ी एक नंबर लग रही है यार सेटअप के साथ। अच्छा ये नीचे की तरफ, और ये जब आप डालोगे ना तो आउटवर्ड एंगल में डालना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं डालना। नहीं ये तो पता है मुझे, ये तो मैंने किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा जैसे कि अंदर की साइड चला जाए। अच्छा इसमें लग जाती है, ठीक है भाई। पूरा प्रोसेस एक बार तरुण भाई मेरे को बता रहे हैं कैसे कैसे होता है। वैसे तो मैंने ये वाला टेंट एक बार सेट किया हुआ है क्योंकि सेठी भैया के पास सेम ही टेंट है बट अपग्रेडेड वर्जन है, बट ये मेरे को पता है कैसे ओपन होता है, हम हमेशा मतलब उनके साथ ही ओपन करवाते हैं। ये इजी टू अनरैप और रैप बहुत इजीली होता है और बहुत फास्ट भी होता है। ये ओपन हो गया आपका, एक बार अंदर से जाके भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ टेंट कैसा लगता है अंदर से। स्पेस तो बहुत है इसके अंदर, 4% ही है। हाँ ये देख लो भाई अंदर का स्पेस, बस ठीक है कोई इशू नहीं है, बाकी सब चीज़ें तो मेरे को आती हैं इसके अंदर। अच्छा वो जो नया वाला वर्जन है उसमें ये बैक साइड में भी वो है ना कुछ अलग फॉर्म वगैरह कुछ तो है इधर पीछे? नहीं, ये फॉर्म तो सेम है। अच्छा ये सेम है उसमें ना, एलईडी लाइट और आ गई है। अच्छा हाँ लाइट भी आ गई है अंदर की साइड में, इसके अंदर लाइट लगी है। हाँ पहले वाला जो है ना वही कम्फर्ट देगी आपको, बट इसमें एक चीज़ है ये नीचे ना आपको ये दे रखा है जिससे कि मॉइस्चर ना आए, ये आपके प्लाईबोर्ड के ऊपर लगा रखा है। इसको क्या कौन सी शीट बोलते हैं इसको जो ऊपर लगा रखे? परफोरेटेड शीट बोलते हैं। तो ये प्लाईबोर्ड के ऊपर लगा रखे है ना? हाँ जी।
तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा, बस सीधा इसको ओपन करो टेंट को और आगे के दो ये लगाने और इधर साइड के भी दो लग जाते हैं, सेम वही प्रोसेस है वो तो लगाने वाला स्टिक्स का। दो इस टाइप के टेंट्स में सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि अगर आप सोलो भी ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको कम स्ट्रगल होता है, पुश किया आपने ऊपर की साइड और पूरा टेंट खुल जाता है और अंदर बैठ के आप स्टिक्स लगा सकते हो। ये ट्रिप भी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से, मे बी इस व्लॉग के बाद या कल हम निकलने वाले हैं, तो इस व्लॉग के बाद सीधा आपको ट्रिप के व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे। और बढ़िया वाली ट्रिप प्लान की है, बारिश आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, मतलब आ ही रही है जहाँ पे हम जा रहे हैं बारिश, बट अगर बढ़िया सा कहीं वेदर मिल गया, बढ़िया सा कहीं लोकेशन मिल गई तो बढ़िया वाली ओवरलैंडिंग देखने को मिलेगी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं तो भाई निकलना ही था एनी हाउ बिकॉज दिस इज द लॉन्ग वीकेंड जो भी 15 अगस्त वाला, तो इस पे हमने पूरा प्लान किया है। बाकी प्लान था हमारा लद्दाख जाने का, लद्दाख नहीं जा पाए क्योंकि मनाली वाला रूट तो आपको पता ही है कि खराब हो गया। उसके अलावा हमने प्लान किया था श्रीनगर वाले रूट से जाने की, तो जोजिला पास पे भी अभी लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से वहाँ नहीं जा पाएंगे। बाकी वो सब छोड़ो यार, जहाँ भी प्लान बन रहा है बढ़िया वाला प्लान बन रहा है। बाकी आप ये बताओ कि आपको गाड़ी के ऊपर टेंट कैसा लग रहा है, मेरे को तो भाई एक नंबर लग रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो अभी बंद करने का प्रोसेस है इसका, यहाँ होल्ड कर लेना। अच्छा यहाँ पे होल्ड करना है, हाँ हाँ अच्छा सारा कपड़ा ना अंदर जाना। अच्छा इसको यहाँ पे होल्ड करके रखना है जिससे कि कपड़ा अंदर चला जाए, ओके 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 ठीक है। ये देखो लैडर अंदर जा चुकी है, अब पीछे जो हमने स्टेप डाला था उसको फेंकेंगे आगे की तरफ, एक पोजीशन पे लाके ना रुक जाएंगे। हाँ साइड से इसको अंदर करना है। तो भाई पूरा टेंट अभी अपना रैप हो चुका है अच्छे तरीके से, और बस आपको ये जो साइड में अंदर से ये कपड़ा है वो अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि अभी क्या है कि ये पुराने वाला वर्जन है, नए वाले में बंजी आती है जिससे कि जैसे ऊपर करूँ थोड़ा, अच्छा उसमें बंजी आती है, जैसे ही आप इसको नीचे करोगे बंजी अपनी बंद होती रहेगी और अंदर का कपड़ा अंदर खींचती रहेगी, तो उस टाइप से ये बंद हो जाता है। अच्छा ताकि जब खोले टेंट तो हमें नहीं मिले। तो ये स्ट्रैप आपको ऐसे बंद करके रखनी है और इधर ही रखनी है, जैसे कि आप इसको ओपन करो तो यहीं से आप निकाल पाओ और स्ट्रैप को पीछे डाल दो। ये देखो इस तरीके से इसको रख देते हैं और अब ये वाले क्लैम्प्स में लग जाएंगी। एक सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या लगती है मेरे को इस टेंट की, जब आप गाड़ी आपकी चल रही होगी ना तो कोई ऐसे नोटिस ही नहीं कर पाएगा कुछ अलग से कुछ आपने रखा हुआ है गाड़ी के ऊपर, क्योंकि पार्ट ऑफ बॉडी लगता है। आप देख रहे हो कि पूरी गाड़ी का कलर भी देख लो और ऊपर से अपना टेंट का कलर भी देख लो, वो भी फैब्रिक वाली शीट में है, तो वो चीज़ बड़ी सही लग रही है, मतलब पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रही है गाड़ी को ये टेंट के साथ पूरा सेटअप। सो गाइज आपने पूरा सेटअप देख लिया कि कैसे कैसे इस पर लगाया गया है, प्लस कैसे इसको ओपन करते हैं और कैसे इसको रैप करते हैं, सारी चीज़ मैंने दिखा दी। अगर आपके पास भी स्कॉर्पियो है नहीं या कोई भी महिंद्रा की कार है, इस टाइप की गाड़ी अगर आप ओवरलैंडिंग करना चाहते हैं दिस इज़ द परफेक्ट सेटअप फॉर यू। अगर बाकी अभी हम ट्रिप करने वाले हैं उसमें और आपको देखने को मिल जाएगा इन डिटेल, जैसे ही हम इसमें मतलब स्टे करेंगे या फिर जो भी हमारा कैंपिंग का रहने वाला है वो लैंडिंग का, वो आगे आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा। आपको एक बेसिक आइडिया पता लग गया है कि इस वाले टेंट को आपको कैसे ओपन करना है और कैसे इसका इंस्टॉलेशन कराना है अपनी गाड़ी पे। बाकी नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड से ये टेंट है और भाई गाड़ी घर से ही लेके गए हैं और घर पे आके इन्होंने ड्रॉप कर दिया, उसके लिए थैंक यू तरुण भाई। तो गाड़ी अपने घर ही आ गई है, मतलब टेंट मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुलक्ष भाई से मेरी बात हुई थी तो मैंने बताया कि मेरा वीकडेज में ऑफिस रहता है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो उन्होंने बोला टेंशन ही मत लो आप, गाड़ी हम लेके जाएंगे और गाड़ी घर छोड़ के जाएंगे। तो भाई ये अपना पूरा सेटअप है और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और एक नए ओवरलैंडिंग सेटअप के साथ नए तरीके से हमारी ओवरलैंडिंग जर्नी की शुरुआत करेंगे फिर से। तो चलो फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।